हेलो फ्रेंड, जय बैटरी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 90 से 300 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेपलाइजर कनेक्शन जो 4 रिले 5 लूप के लिए होगा। तो यहाँ पर हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर लिया है, ठीक है। इसमें हम अलग से 24 वोल्ट रिले के लिए वायरिंग किया है, ठीक है। यहाँ हमने 4 रिले दिखाया है। जो आपका पहला रिले होगा ये इनपुट रिले होगा, दूसरा भी इनपुट रिले होगा, और जो तीसरा होगा आपका आउटपुट रिले होगा, ये आपका टाइमर के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने माइक्रो किट दिखाया है। तो माइक्रो किट में जो आपका ये वाला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, ये आपका कॉमन पॉइंट होगा। सभी रिले का 1 टर्मिनल का कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट होगा ये आपका टाइमर के लिए, टाइमर रिले के लिए पॉइंट होगा, ठीक है। और ये आपका पॉइंट होगा, ये आपका तीसरे रिले का आउटपुट पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया है इनपुट 1, मतलब यहाँ पर 1 आपका रिले कनेक्शन होगा। यहाँ पर दिया है इनपुट 2, तो ये आपका दूसरे रिले का कनेक्शन होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया है 12 से 24 वोल्ट, तो इसमें ये वाला आपका सप्लाई जो होगा इसमें कनेक्ट होगा। तो हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, सभी रिलों का एक पॉइंट को हम कॉमन करेंगे और इस कॉमन में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर कॉमन में कनेक्ट कर देंगे। अब बाकी जो 1 टर्मिनल बचेंगे सभी रिलों का, तो जैसे मैंने बताया था, ठीक, उसी में एक एक करके जोड़ते जाएंगे। तो इसका कनेक्शन करते हैं। रिले के कुछ पॉइंटों को जंपर करेंगे। तो पहला रिले का कॉमन, दूसरा रिले का एनो और तीसरा रिले का एनो को चौथे के कॉमन से कनेक्ट करेंगे। अब ट्रांसफार्मर के पहले लूप को पहले रिले के एनसी से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, दूसरे के एनसी से, तीसरे को तीसरे रिले के कॉमन से जोड़ेंगे। अब चौथे को दूसरे रिले के कॉमन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और हम ट्रांसफार्मर के 5वें लूप को तीसरे रिले के एनसी के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम चौथे रिले के एनो से आउटपुट निकालेंगे और पहले रिले के एनो से इनपुट वायर निकालेंगे। न्यूट्रल पॉइंट दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, तो उसको करते हैं। कनेक्शन कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कनेक्शन पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।